आज देश में जो अभी मैंने टीवी पे देखा 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है, टीवी वाले बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है, देश ने घोषणा कर दी है अब की बार नागर कुरनूल का ये जन सैलाब, आपका ये स्नेह ये बता रहा है कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है अब की बार। और साथियों, कल इसकी एक प्रचंड झलक मैंने मल्काजगिरी में भी देखी है। वहां जिस तरह लोग सड़कों पर उतरकर भाजपा का समर्थन कर रहे थे, हम सब भाजपा वालों को आशीर्वाद दे रहे थे और अबाल वृद्ध सब, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, मैं सच बताता हूं, कल शाम का वो नजारा अद्भुत था। और साथियों, अभी जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हुए, और उस समय भी मैं यहां आया था और उस समय मैंने देखा था कि जनता के दिल में, जनता के दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा था, इतना गुस्सा था, और उसका नतीजा भी हमने देखा, बीआरएस का क्या हाल हुआ। और कल मैंने देखा और आज यहां भी देख रहा हूं, तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार। तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास ये एनडीए की, मोदी की प्राथमिकता रहा है। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के दो पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर
तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है, जब यहां ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद चुन करके आएंगे तो कांग्रेस को भी अपनी मनमानी करने में बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इस बार तेलंगाना में सभी लोकसभा की सीट भाजपा का कमल खिलना चाहिए। और आपको एक बात और भी याद रखनी है, तेलंगाना के लोगों की बात सीधी मुझ तक दिल्ली में पहुंचे, इसके लिए मुझे यहां सभी सांसद जीत करके आए तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, ताकि मैं आपकी अच्छी सेवा कर सकूं। जब यहां बीजेपी के सांसद होंगे तो आपकी तकलीफ, आपकी आशा आकांक्षा ज्यादा तेजी से मुझ तक पहुंच पाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर अपेक्षा पूरी करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। जिस कांग्रेस ने 7 दशकों में 7 decades देश को झूठ और लूट के सिवा कुछ नहीं दिया, वो तेलंगाना का विकास कभी भी नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इस समाज के हालात सुधरे क्या? बदलाव तब आया जब देश ने मोदी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया और मोदी को आपकी सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि बदलाव की एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में पहली बार गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट खुले, पहली बार करोड़ों गरीबों को पक्के मकान का सुख मिला, पहली बार गरीब को टॉयलेट, नल से जल, बिजली का कनेक्शन, मुफ्त वैक्सीनेशन, ऐसी अनेक सुविधाएं गरीब के घर तक पहुंची। पहली बार
लाखों गांवों ने रात में बिजली का उजाला देखा। इसी बदलाव का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ऐसा ही तेज बदलाव हम सबको मिलकर तेलंगाना में भी लाना है। मोदी को आपसे वोट लेकर अपने परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और अपने परिवार के लोगों के लिए बैंक बैलेंस की व्यवस्था नहीं करनी है। मोदी का तो परिवार 140 करोड़ देशवासी है। और न ही मोदी को कुर्सी पर बैठ करके सत्ता सुख भोगना है। 23 साल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैंने एक दिन भी मेरे लिए कभी उपयोग नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा, तो ये होकर रहता है। जब मोदी कहता है कि रामलला अपने घर आएंगे, तो ये होकर रहता है। जब मोदी कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाता है। यही तो है मोदी की।